बसपा पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए धर्मवीर चौधरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर अपनी बड़ी बहन बताया है, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा और उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चीजें देखी जा रही हैं वो ये देखी जा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर विपक्षी दल का नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के खेमे में आ रहा है। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि इस पार्टी को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, बीएसपी भी जहां एकला चलो की राजनीति कर रही है, अपना प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश कर रही है, आकाश आनंद भी इसमें काफी ज्यादा भागीदारी है, फिर चंद दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ जाती है अपनी पार्टी को छोड़ करके? नहीं नहीं आस्था जी, देखिए मैं तो बहुत टाइम से मैंने बीएसपी में काम किया जी। और मेरा जन्म ही बीएसपी में हुआ था, लेकिन जब आप राजनीति में जैसे मैं बीजेपी की बात करूं तो बहुत सारे मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दी, और खासकर राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो हमको ये मानना चाहिए कि नेशनल इश्यूज पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बीजेपी ने जितना काम किया है मैं समझता हूँ इन 70 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब धारा 370 लागू हुई थी कश्मीर के अंदर तभी इसका विरोध किया था, और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पूरा जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया, और लास्ट में धारा 370 एक कोड़ की तरह था, कैंसर की तरह था भारत के ऊपर, उसको खत्म किया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लोकसभा चुनाव जो है इस बार का यही देखना होगा कि किन चीजों को लेकर के बीजेपी आगे आ रही है। विपक्ष की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन सारी चीजों का फैसला तो जनता ही करेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अभिकांत के साथ आस्था।